पास ऑप्शन आ जाते 30 लाख रुपया में XUV700 के AX7 जो 7 सीटर तो लेनी नहीं थी ना, बिल्कुल लेनी नहीं। और जो यू दूसरी आ जावे सफारी आ जाए, टाटा सफारी, लेकिन हाँ। ये कि थोड़ा सा उसमें मार्केट में रिव्यू आ रहे थे कि हाँ। जैसे 2-3 साल में थोड़ी दिक्कत देती है। बैक टू अवर चैनल दीप खटाना, तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई हम भी बहुत बढ़िया। एंड भाई आज सामने फ्रेम में खड़ी है द ऑल न्यू इनोवा हाईक्रॉस टोयोटा की, जो पहली बेस्ट गाड़ी जो मुझे लगी है ना भाई टोयोटा की आज तक की, रिलायबिलिटी और सब कुछ देख के जो गाड़ी बेस्ट लगी आज तक की वो लगी है मुझे इनोवा हाईक्रॉस। तो पहले भाई ओनर को बुलाते हैं, ओनर से पूछेंगे क्या कुछ रीज़न रहा है। आप सब चीज़ देख चुके होंगे, इसके फीचर वगैरह जो भी कुछ है, ऑन रोड प्राइस वगैरह ये पड़ती है भाई 30 लाख रुपये की। तो पहले ओनर को बुलाते हैं, ओनर से पूछेंगे सारी जानकारी जो आपको आगे बताएंगे। ओनर है इस गाड़ी के, सुशांत भाई क्या हाल है भाई? बढ़िया, हम भी बढ़िया भाई। तो भाई पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप इनोवा हाईक्रॉस के लिए। तो सबसे पहले भाई इसकी बताओ प्राइसिंग। प्राइस भैया ये पड़ी थी मुझे ऑन रोड 29,05,000 की। 29,05,000 की वारंटी एक्सटेंड करा के। अच्छा 2 साल की वारंटी एक्सटेंड करा के। 3 साल की आती है, 2 साल की और कराई है। अच्छा 5 साल की करवा दी आपने इसे। तो भाई मैं अगर जैसे आप 30 लाख रुपए का बजट लेके चलते हो, कम मतलब जैसे मार्केट में चलते हो आप 30 लाख रुपए में, आप ढूंढ रहे थे 7 सीटर का फैमिली के लिए, तो 7 सीटर में आपके पास ऑप्शन आ जाते 30 लाख रुपया में XUV700 के AX7 जो 7 सीटर। लेनी नहीं थी ना, बिल्कुल लेनी नहीं। और जो यू दूसरी आ जावे सफारी आ जाए, टाटा सफारी, लेकिन हाँ। ये कि थोड़ा सा उसमें मार्केट में रिव्यू आ रहे थे कि जैसे हाँ। 2-3 साल में थोड़ी दिक्कत देती है हाँ। पार्ट्स वगैरह की और तो फीचर ऐसी, और इसी का ही मन बना लिया। फिर नई लुक भी है। हाँ नई लुक भी है, पहले सब लोग टैक्सी बोलते थे इसको, है ना इनोवा को। उसमें तो एक ही आ रहा है इनोवा क्रिस्टा जो डीजल, ये ओनली पेट्रोल वर्जन में आती है। तो भाई मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे आप इसी की देख लो और दूसरी फॉर्च्यूनर देख लो अगर, पर फॉर्च्यूनर तो ओवर प्राइस हो जाती है, ओवर प्राइस आप। अच्छा है, तो टोयोटा पे आपको भरोसा है कि भाई कोई चीज मेंटेनेंस वगैरह भी कम। अब भाई मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, अगर महिंद्रा की लेते आप, चलो XUV700 आपका मन नहीं करता, स्कॉर्पियन न्यू लुक स्कॉर्पियन, वो बात हुई है ना, महिंद्रा तो बिल्कुल लेनी नो, मतलब दोनों कैंसिल कर दी, स्कॉर्पियन भी और XUV700, और ये ले ली। तो भाई वेटिंग वगैरह क्या आई? वेटिंग तो इसकी लेकिन जो जानकारी थी हमारी थोड़ी हाँ, फिर थोड़े बहुत एक आध बोली एक्सेसरीज लिए हाँ, वारंटी एक्सटेंड कराई तो मिल गई थी साथ ही, मिल गई थी हाँ। मैं अगर आपसे एक जेन्युइन रिव्यू मांगू कि आप कितने खुश हो इस गाड़ी से? गाड़ी बहुत बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया, एक तो माइलेज में, बैटरी हाँ। हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड है हाँ। तो ये कि अपने 30-40 तक तो बैटरी में चल जाती, बैटरी में चल जाती है, लाइट पे बैटरी में हो जाती है हाँ। तो जो माइलेज अच्छी दे रही है, माइलेज कितनी हाँ। दे देती है ये? मान लो कि 14-15 की दे देती है, 14-15 गाड़ी होने के बावजूद भी सही दे रही है, बढ़िया दे रही है। क्योंकि जो आजकल जैसे थार होगी या ये होगी वही 10-11 की दे रही है हाँ, उस हिसाब से मतलब बढ़िया दे रही है, पेट्रोल में है पर वैसे भी ये हाँ। तो भाई अब मैं एक पूछूंगा आपसे, इसमें आते 4 मॉडल आते हैं, GX, VX, ZX, मतलब बहुत सारे आते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जैसे पैसे के हिसाब से हाँ। टॉप मॉडल आता 35 लाख रुपए का, तो भाई आपने यही क्यों चूज किया फिर? सनरूफ वाला ले लेते हैं, प्राइसिंग के हिसाब से देखे तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगी। अच्छा ये वाला हाँ, मतलब ठीक है, 35 लाख का वेरिएंट है, लेकिन हाँ। इसमें इतना कुछ खास है नहीं, उसमें बस ये कि सनरूफ आ जाएगा, उसकी हाँ। ज्यादा जरूरत है नहीं, बस ये LED तो इनकी तो कोई हाँ, वो तो लुक तो है ही। आ जाओ एक बार अंदर बैठाओ भाई, आ जाओ। तो भाई कुछ इस तरह का इंटीरियर है भाई, इंटीरियर वगैरह तो सबने देख ही लिया होगा, दूसरे चैनल सामने आपको इंटीरियर दिखता है इनोवा हाईक्रॉस का। तो भाई जैसे मैं एक चीज पूछूं आप तक, चलाने वगैरह में कंफर्टेबल क्या चीज है भाई, कितनी चला ली वैसे आपने? ये अभी तो कम ही चली है, 425 किलोमीटर, 425 जैसे आप MID में देख लो भाई, 425 किलोमीटर चली है। तो भाई क्या मजा आया अब तक? देखो ये तो आप सभी पता है कि भैया जो इनोवा का जैसा कंफर्ट है नहीं और हाँ, हाँ। बाकी अगर ज्यादा ही अगर हाई रेट पे जाओगे तो फिर तो बात ही अलग है, लेकिन इसके सेगमेंट में इस जैसा कंफर्ट नहीं है, नहीं है भाई हाँ, बिल्कुल हाँ। क्योंकि इनोवा जानी कंफर्ट लेवल के लिए जानी जाती है, कंफर्ट है एक अलग ही बात है, उसको अलग ही छोड़ दो, बाकी सब चीज इसमें चलाने में अच्छी है, गाड़ी चलाने में मतलब बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ बिल्कुल स्मूथ कार है। अगर भाई जैसे हम कंपैरिजन करें XUV700, जैसे अगर मान के चलो हम नॉर्मली ड्रैग रेस करते हैं
रेस करते हैं, XUV700 हो या इसी की MG एक्टर हुई या दूसरी हुई, मतलब इनके इसी की सेगमेंट में 30-30 लाख के रेंज में अगर हम उन गाड़ियों से अगर ड्रैग रेस करें तो क्या क्या वो दिखता आपको? देखो वो तो पता ही नहीं, वो तो क्या रिजल्ट निकलेगा, बाकी जो कंपनी जो बता रही है मेरे हिसाब से 9.5 सेकंड में 100 चढ़ जाती है। अच्छा चढ़ जाती है, हाँ, बाकी मैंने कभी ऐसा ट्राई किया नहीं है। अब तो कभी अगर रेस होगी वो तो तभी देखा चल। हाँ वो तो भाई वो तो बाद की बात है। अब जैसे मैं पूछूं भाई, आपने हाईवे वगैरह पे चलाई है भाई? ये चलाई है जो जैसे हमारा ये सोना गुड़गांव एक्सप्रेस वे है, यहाँ से सोना जाते हैं भाई, क्या कुछ मजा आता है भाई? बिल्कुल मजा आता है यार, एकदम स्टेबल कार है अडासी, क्योंकि जो जो इसमें फीचर्स आ रहे हैं ना जो एक अलग ही लेवल के आने वाले हैं, जैसे जो भी नई नई कार आ रही है इसमें नहीं आ रहा। अच्छा इसमें नहीं, अच्छा इसमें नहीं है भाई। तो और भाई इसकी अगर मान के चलो मैं 10 नेगेटिव बातें पूछूं आपसे, तो कोई 10 नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आएंगे? नहीं आएंगे, एक दो तो है, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की थोड़ी सी दिक्कत दिक्कत है। हाँ। इतनी बड़ी गाड़ी को होने से थोड़ा और ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए होता ना, और तो हाँ। सही रहता। और यहाँ लोकल में थोड़ी सी यही है कि टिक विक जाती है, जैसे ये रोड है ऐसी भाई। सही है भाई, सही कह रहे। अगर और भाई सेकंड कोई नेगेटिव पॉइंट और दूसरा? और तो बस ये है कि गियर बॉक्स में CVT दे रखा है। हाँ। और कुछ कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसा कुछ खास लगा? मतलब 30 लाख रुपए आपके वसूल है? बिल्कुल वसूल है, गाड़ी 30 लाख के हिसाब से एक नंबर है बिल्कुल। अगर मैं जैसे मेरे कोई व्यूअर्स कहना चाहे कि मैं अगर इनोवा हाईक्रॉस लेना, आप कहोगे उनसे ले ले? ये तो टोयोटा तो नाम ही काफी है, ये तो आग बंद करके लेने वाली चीज है बिल्कुल। कहूँगा अगर कोई सफारी ले रहा है, अगर थोड़ा सा बजट और है, सफारी आ जाती है मेरे हिसाब से 23-24 लाख में आ जाता है, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। अगर थोड़ा और बजट है तो फिर इनोवा ले ले, इनोवा हाईक्रॉस। हाँ वो देगी 9-10 की माइलेज देगी, ये बढ़िया माइलेज भी देगी और 15 साल की है पेट्रोल भी। जैसे भाई अगर मैं आपसे पूछूं घर वालों का रिएक्शन क्या रहा, जैसे आप गाड़ी लेके गए भाई ये इनोवा निकल वाली, जैसे आपने बताई नहीं होगी, पहले तो बता भी होगी बता रखी थी तो पहले से बताती सबको कि हाँ। गाड़ी लेके आ रहे हैं। जैसे मान लो पब्लिक मतलब घर वाले ये सोच रहे होंगे कि भाई चलो इनोवा ही ले रहा है, इनोवा वो वाली, अगर जैसे घर वालों ने देखे क्या रिएक्शन रहा, मम्मी पापा या वैसे जो अपने? वो इतना इंटरफेयर नहीं करते इन चीजों में। अच्छा वैसे कोई रिएक्शन ठीक है जैसे लिया ठीक है। हाँ मतलब बैठने से पहले सफारी बुक कर रखी थी, सफारी लेने जा रहा था, फिर क्या जिस दिन डिलीवरी थी फिर उसी दिन मैंने कैंसिल कर दी, फिर ये लिया इनोवा हाईक्रॉस। अब भाई चला के देखो भाई एक बार चलाओ, कितनी भाग सकती है ये? वो तो हाईवे पे पता लगेगी भागने की, तो वैसे बाकी मैंने 160 तो चढ़ा रखी है, स्टेबल है बिल्कुल स्टेबल है, 160 पे भगा रखी है, कोई जोड़ वोड़ नहीं, चली जाएगी ऊपर भी, बाकी ऐसे ही है हमारे यहाँ मुंबई एक्सप्रेस में, उस पर जब लंबे टूर पे कहीं जाएंगे जब ही ज्यादा। आज भाई एक बार पिछली वाली सीट पाओ कैसा कम्फर्टेबल, पीछे बैठ के देखते हैं, आ जाओ भाई ये वाली पिछली है। भाई ये तो 8 सीटर है, 8 सीटर है भाई, है तो सही, स्पेस तो बहुत है भाई। और भाई जैसे लगेज वगैरह के लिए है स्पेस पीछे? हाँ है बहुत है भाई, यहाँ तो है कंफर्टेबल ही बैठ चुके हम, एक बार थोड़ी सी आगे कर लो इसे, सारी हो जाती है एकदम से ना, मेरी वाली लग है। अच्छा ये वाली पूरी कर, अच्छा इसमें यहाँ बैटरी का सिस्टम है ये वाला इसमें भी यहाँ तक, ये दोनों भाई कहाँ तक बढ़िया लगता है आपको ये हाइब्रिड वाला सिस्टम, कहीं यूज होता दिखता है? यूज होता है भी, बिल्कुल यूज होता है, जैसे लोकल में जैसे कहीं ब्रेकर है या कहीं रेड लाइट आ गई है वहाँ पे बैटरी में चलेगी। जैसे आज तक आपने पहले तो नहीं चलाई होगी हाइब्रिड, शायद फर्स्ट ही है ये आपकी हाइब्रिड, तो आनी अब स्टार्ट हुई है। हाँ अभी आनी स्टार्ट हुई है, जैसे कुछ लगता है कुछ फर्क दिखता है? कुछ फर्क बिल्कुल, आप पेट्रोल में इतनी माइलेज दे रही है बहुत फर्क है भाई, कंपनी ये बोल रही है कि 22 की एवरेज इसमें 22 की, लेकिन देगी ये 14-15 की देगी। हाँ 14-15 की देगी क्योंकि ज्यादा दे ही नहीं पाएगी भाई, अब तो इस इवेंट यहाँ पर आने लगे, पहले यहाँ थे पहले बीच में थे। हाँ ये भाई ट्यूबलाइट सी दे दी है कंपनी ने, सस्ती है ये ऑटोमेटिक है कैसे? ऑटोमेटिक भी वैसे इससे जल जाती है, स्पेस वैसा, पर थोड़ी आगे करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन बीच वाला आगे करना पड़ेगा, एक बार पीछे जाता हूँ भाई, लास्ट वाली रो में ही लो वाही क्रॉस की मैं।
तो भाई करना है भाई एक बार पीछे और, हाँ ये अब ठीक। अब भाई आप आ गया हो यहाँ, यहाँ इस वाली सीट पे सही बैठे भाई आप, कंफर्टेबल स्पेस के मामले में तो है ही भाई, स्पेस तो है भाई, जो बात है इसमें स्पेस की तो कोई कमी नहीं है। पीछे भाई दो 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 तीन लगेज भी आ सकते हैं, बड़े बड़े बैग्स वगैरह। भाई पीछे चार्जिंग सॉकेट दे रखा है 12 वोल्ट का, भाई सारी चीजें हैं भाई, मस्त बनाई भाई जो बात है। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या हुआ भाई आपका इस गाड़ी का? फर्स्ट इम्प्रेशन वैसे तो मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी इसकी, चलाने में अच्छी भी लगी थी। हाँ एक बार सोचा नहीं था कि यार स्मार्ट हाइब्रिड वो भी नई गाड़ी इनोवा है क्रॉस, फिर फर्स्ट इम्प्रेशन ये की जब मैंने देखी थी ना स्टार्टिंग पे तो नई लुक चेंज होके आई थी और फिर आगे से एकदम बल्की टाइप में बना रखी है थोड़ी, हाँ थोड़ी देखती पसंद आई थी, पसंद है। और पीछे से भी लुक अच्छी दी है भाई, पीछे से टेल लाइट वगैरह जो, हाँ और भीतर इंटीरियर तो दिया है, पर भाई जो गियर बॉक्स है ना वो थोड़ा ऊपर ही दे दिया, हाँ पर 20 से में होता ना और ज्यादा थोड़ा बढ़िया लगता। और ये ईवी मोड वगैरह ये भाई ये दूसरे है, ये बैटरी में चलाने के लिए। अब स्पेस देखते पीछे वाला इधर जाके, स्पेस तो काफी है भाई बढ़िया। यहाँ यहाँ भाई स्पेयर पार्ट से कहा है, बैटरी वाला सिस्टम हो गया अभी भाई जो खाली है, अच्छा आ गई दे रखा है इसमें ये स्टकने के लिए। अच्छा भाई चलिए पीछे से इनोवा क्रॉस कुछ ऐसी इस तरह की दिखती है भाई, थोड़ी सी बढ़िया एक इम्प्रेसिव लुक आती है। और सारी चीज़ अब भाई ने बताई दी है कि क्या कुछ कितने की पड़ी, क्या कुछ रीज़न, क्या लेने का 30 लाख रुपए के बजट में। और एक और दो भाई खड़े हैं हमारे पास, तो भाई तो पूछते हैं भाई क्या हाल है सो भाई, ठीक हो? तो भाई भी भाई के भाई है, तो भाई एक चीज बताओ आपको क्या रिएक्शन मिला, क्या इम्प्रेशन है आपका इस गाड़ी के लिए? भाई मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी गाड़ी है इस रेंज में, हाँ। के मुकाबले और कोई गाड़ी तो है नहीं। अगर भाई जैसे XUV700 लोग सब फेल है, सस्पेंशन में दिक्कत बताते हैं, कहते हैं स्टार्टिंग में ठीक है बाद में दिक्कत आने लगती है, हाँ। उसके हिसाब से तो बहुत बेस्ट है, हाँ मतलब 30 लाख की रेंज में ये बढ़िया है, मैं तो बहुत अच्छी गाड़ी और इतनी इतनी एवरेज देना भाई, हाँ जी ऑटोमेटिक में भाई ऑटोमेटिक में बहुत, और वो भी पेट्रोल में इतनी अच्छी रेंज देना, बिल्कुल बिल्कुल। और भाई अगर मैं मान के चलूँ ना XUV700 ऑटोमेटिक पेट्रोल में तो वो देती है कितने में देती है, 6-7 की एवरेज देती है भाई XUV700 ऑटोमेटिक, वो तो इतने में देती है ऑटोमेटिक, ये हैरियर खड़ी है ये भी इतनी देती है 10 की भाई, ये होता ही है। तो अब एक बार मैं बैठता हूँ भाई सामने, भाई ये रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं इसमें, तो भाई एक बार मैं आगे से आपको लुक दिखाता हूँ मैं बैठ के अपनी, क्या कुछ पड़ता है भाई देखो भाई यार लुक तो देखो, जैसे स्टेयरिंग वगैरह पकड़ते फर्स्ट इंप्रेशन बैठने का ना, जो जो इसका डैशबोर्ड का जो ये चीज़ है भाई बहुत प्यारी, बस अगर ये यहाँ होता तो और ज़्यादा प्यार लगता भाई। मैं एक बार चला के देखता हूँ इसे, मैं फर्स्ट ड्राइविंग कर रहा हूँ आज पहली बार इसकी, भाई पता ही नहीं लग रहा क्या कुछ हो रहा क्या नहीं हो रहा, मतलब बस चले जा रही है, बिल्कुल साइलेंट इंजन है बिल्कुल, कुछ पता ही ना। पहले वाले जो इनोवा थी भाई, इनोवा का अपने रिव्यू भी देख रहा होगा वो मेरे चैनल पे, भाई क्या ही प्यारी चीज़ बनाई है यार कंपनी ने, मज़ा बांध दिया जिसे कहते हैं ना कि हाँ फुल। अब देख लो इसमें ये भी आती है कि कहाँ पर मुड़नी है कहाँ पर नहीं, देख लो भाई कैमरा की क्वालिटी तो अच्छी है भाई जो बात है, गाड़ी भी अच्छी है भाई। एक बार कमेंट करके बता दो इसकी किस किस से ड्रैग रेस करवाई जाए, XUV700 से या दूसरी से या कोई और, इसमें भाई मोड भी आते हैं ड्राइव मोड ईवी मोड ये हिल स्टेंट, और भाई एक बार भाई पता ही नहीं लग रहा क्या क्या तगड़ी चल रही है गाड़ी, तो भाई आर पार बन दी भाई को या को। तो भाई वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, एंड कमेंट करके बता दो भाई कैसी लगी गाड़ी, तो वीडियो देखने धन्यवाद।